अर्पिता को सलमान खान के परिवार ने क्यों लिया था गोद, जानकर होगी हैरानी। फिलहाल आप तो जानते ही होंगे कि यदि कोई लड़की सलमान खान को भाई बुला दे तो वो थोड़ा नाराज हो जाते हैं। यहाँ हम बात कर रहे हैं सलमान खान की मुंह बोली बहन। शायद कुछ ही लोगों को पता होगा कि अर्पिता सलमान खान की सगी बहन नहीं है। अर्पिता को सलमान खान के पिता सलीम खान ने गोद लिया था। उन्होंने असली बेटी नहीं होने के बाद भी अर्पिता को अपनी सगी बेटी से ज्यादा प्यार किया, और सिर्फ सलीम खान ही नहीं उनके घर के सभी सदस्य अर्पिता से बहुत प्यार। सलमान खान तीन भाई और एक बहन है, उसके बाद भी उन्होंने अर्पिता को गोद लिया। बता दें कि अर्पिता का जन्म 1 अगस्त 1989 को मुंबई में ही हुआ था, और अर्पिता को सलमान के माता पिता सलीम और सलमा खान ने गोद लिया गया था। करते हैं अर्पिता खान की, जो सलमान खान के घर की सबसे मुख्य सदस्यों में आती हैं, इसलिए लिया है गोद। अर्पिता को सलमान खान के परिवार ने क्यों लिया था गोद, जानकर होगी हैरानी। बता दें कि सलमान के पिता और उनकी पत्नी सलमा खान पहले अक्सर सुबह टहलने के लिए जाते थे, और इस दौरान फुटपाथ पर कोई भी जरूरतमंद व्यक्ति मिलता था तो वो उसकी सहायता किया करते थे। एक दिन जब दोनों टहलने को निकले, रो उन्होंने देखा कि अर्पिता की मां अर्पिता को जन्म देते ही दुनिया से चली गई, और मासूम बच्ची को फुटपाथ पर ऐसे देख सलीम खान और सलमा खान से देखा नहीं गया, और उन्होंने इस बच्ची को अपने साथ घर ले जाने का फैसला किया और उसे अपने घर का सदस्य बना लिया। फिर घर में अर्पिता को सभी का खूब प्यार मिला। अर्पिता को सलमान खान के परिवार ने क्यों लिया था गोद, जानकर होगी हैरानी। लेकिन बहुत से लोगों का कहना है कि अर्पिता को सलमान खान की दूसरी मां हेलेन ने गोद लिया है। अर्पिता सिर्फ सलमान खान की ही लाडली नहीं है, बल्कि घर का हर एक सदस्य उनको बहुत ज्यादा प्यार करता है। यही नहीं, अर्पिता ने अपनी कलाई पर एक टैटू बनवाया है जिसमें उन्होंने अपने फैमिली की तस्वीर बनवाई है। अर्पिता ने बिजनेसमैन आयुष शर्मा से शादी की है, और अब उनका एक बेटा और बेटी भी है। सूत्रों के अनुसार अर्पिता चाहती थी कि उनकी शादी किसी राजकुमारी की तरह हो, तभी सलमान ने उनकी शादी हैदराबाद के फल्कनुमा पैलेस में करने का ऐलान किया। अर्पिता और आयुष की शादी बॉलीवुड की सबसे महंगी शादियों में से एक थी।